वेलकम बैक। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस नरिया बाजार में आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे उलझन है हमारे बीच जो बच्चे इंटर पास किए हैं। बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि सर हमें इंटर के बाद क्या करना चाहिए और क्या करना उचित होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम टेंथ में उलझन नहीं करते, टेंथ में क्या करते, उलझन से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम टेंथ पास करते हैं, लोग बोलते हैं बाबू आर्ट्स रखो, बाबू साइंस रखो, बाबू कॉमर्स रखो, बाबू बाबू को चके हुआ बाबू नहीं बउआ बन जाता। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या ये है कि दुनिया में सब कुछ का वैल्यू है अपने अपने अनुसार। यदि आपको साइंस में इंटरेस्ट है साइंस रखिए, कॉमर्स में इंटरेस्ट है कॉमर्स रखिए, आर्ट्स में इंटरेस्ट है आर्ट्स रखिए। बहुत सारे बच्चों को देखे हम टेंथ में जिसका मैथ साइंस टेंथ में पूरा वीक है, बचा रखा इंटर में साइंस। क्यों? क्योंकि गार्जियन बोला, बहुत सारा बच्चा बोला अरे आर्ट्स का कोनो वैल्यू नहीं होता है, इंटर में बहुत शौक से रखा साइंस, बच्चा कुछ समझ नहीं रहा था। नहीं, आप किसी पे जब थर्ड डिवीजन लाता है सेकेंड डिवीजन लाता है, भैया क्या करोगे इसे रिजल्ट का, क्या करोगे इसे नॉलेज का? क्या आर्ट्स जो टॉपर हुआ क्या उसका न्यूज आपके अखबार में नहीं आया? क्या टॉपर का नाम आपके टीवी चैनल पे नहीं आया? क्या आर्ट्स टॉपर वाले का नाम नहीं लिया जाता है? क्या आर्ट्स वाले को नौकरी नहीं मिलता है? सब कुछ मिलता है। आप साइंस रखो यदि आप उस योग्य है, आर्ट्स रखो यदि आपको आर्ट्स पढ़ने में मजा आता है, कॉमर्स रखो यदि आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं। हजारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। जरूरी है पहले उन सभी की पहले हम जान ले कि कौन सा कोर्स हमारे लिए बेटर है। अब गलती दोबारा ना करेंगे, करें ट्वेल्थ के बाद क्या, ट्वेल्थ के बाद क्या करें, क्या हमारे लिए उचित होगा, मिलते हैं अभिषेक सर के साथ और जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। दोस्तों, इसे बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, यहाँ देखते हैं इंटर के बाद आपके पास ऑप्शन आता है पॉलिटेक्निक, ITI, जनरल कंपटीशन, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पैरामेडिकल, जितने भी जनरल कंपटीशन का आते हैं वो सभी कोर्स आप करते हैं कर सकते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यदि आप डिप्लोमा करते हैं, सच्चाई डिप्लोमा सिर्फ किसे कहते हैं, देखिए डिप्लोमा एक तरह का बहुत ट्रेनिंग कोर्स है जिसमें आपको पॉलिटेक्निक आ जाता है, ITI आ जाता है, पैरामेडिकल आ जाता है, इसके बाद वो DLED आ जाता है। ठीक है, आप इंटर का DLED कर सकते हैं, उसको DLED भी कहते हैं, IED भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट क्या है कि यदि आपको एक ट्रेनिंग के रूप में एक सर्टिफिकेट मिल गया, अगर कल, अभी जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो इस क्षेत्र में यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है, यदि आप कहीं दिल्ली मुंबई या कहीं भी आप जाते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट जॉब में, तो आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी रहेगी, यहाँ तक कि 25,000 से 30,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड टीचर हैं, ट्रेंड मैकेनिकल आदमी हैं, जो भी आप जिस क्षेत्र में आप ट्रेंड हो रहे हैं उसकी आपकी जो जॉब की सैलरी वो ज़्यादा रहेगी। बात करूँ आप ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन किसे कहते हैं, BA BSc BCom, जो इंटर में IA रखता है उसका BA हो जाता है, इंटर साइंस वाला का BSc वो BA भी रख सकता है, माने अर्थात जिसको हम BA के नाम जानते हैं BA BSc BCom होता है। ठीक है, जो कॉमर्स रखते हैं उसको BCom बोलते हैं, जो साइंस रखता है उससे BSc बोलते हैं, जो आर्ट्स रखते हैं उसे BA बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, तो मैंने बताया ग्रेजुएशन का आपको 3 साल का कोर्स होता है, कोई कोई बोर्ड जो है आपका 4 साल भी लगा देता है, पर हमारे यहाँ जो मिथिला यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी शॉर्ट फॉर्म में LNMU कहते हैं, वो आपको नियत समय पर ही खत्म करता है, आपको 3 साल आपका इस कोर्स क्या करता है खत्म कर देता है। BA करने के क्या फायदे है, यदि आप इंटर के बाद BA करते हैं तो आपको एक मास्टर डिग्री मिलेगा। आप एक नाम सुने होंगे UPSC, बहुत ही टफ एग्जाम होता है वो, पर सैडली यहाँ के सबसे ज्यादा सबसे हाई जो हमारे यहाँ के बच्चे बिहार में, जब किसी बच्चे का दिल टूटता है ना, जब प्यार में धोखा खाता है, तो हमारे यहाँ के बच्चे वो UPSC क्लियर करते हैं। क्यों? क्योंकि आज उसने मुझे छोड़ा है मेरी गरीबी को देखकर, मैं वो गरीबी उसे याद लाऊंगा, भैया मैं गरीब नहीं था। तो बच्चा तो जुड़ने की दिल तोड़ने वाला UPSC कर सकता है, आप भी कर सकते हो, तो UPSC कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल के बाद। यदि आप ग्रेजुएशन में भी आपको वैसा सवाल वैसे सब्जेक्ट रखना है जो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है,
बीए ऑनर्स कीजिए, बहुत अच्छी बात है, ऑनर्स करिए, लेकिन वैसा सब्जेक्ट रखिए जो आपको बहुत इंटरेस्ट, इंग्लिश मन लगाएगा, इंटर में अच्छा लगा है, समझिए है, बहुत अच्छा से बोलना आता है, बहुत अच्छा से लिखना आ जाता है, हमें मजा आता है पढ़ने में, इंग्लिश रखिए, इंग्लिश ऑनर्स कीजिए। हिंदी लगता है हिंदी ऑनर्स कीजिए, हिस्ट्री लगता है हिस्ट्री कीजिए, फिजिक्स है फिजिक्स कीजिए, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा, सबसे बेस्ट लगा पढ़ने में वो कीजिए। ये नहीं कि इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू सबका है, जिसमें तुम्हें मन लगता है उस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको ये प्लस पॉइंट मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक हमने पहले बता दिया, पॉलिटेक्निक कोर्स करने से वो आपका क्या होता है, खास आपकी सैलरी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, या प्राइवेट सेक्टर में जाते फिर भी आईटीआई करेंगे वो रेलवे सेक्टर के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आपकी नौकरी सबसे पहले चयन की जाएगी, तो प्लस पॉइंट रहेगा। आप आईटीआई भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स रहेगा, पॉलिटेक्निक भी कर सकते बहुत अच्छा मार्क्स रहेगा। इसके अलावा अगर आप नौकरी चल सर हम इतना नहीं करना चाहते हैं, एक से दो साल या तीन साल के अंदर हम नौकरी पाना चाहते हैं सर, हमको नौकरी चाहिए सर, छोटी नौकरी हो छोटी नौकरी लेना चाहते हैं, छोटी नौकरी से पहले पा देंगे, आमदनी का स्रोत बन जाएगा, फिर छोटी नौकरी से नौकरी भी करेंगे, साइड से पढ़ाई करेंगे, फिर बड़ा नौकरी मिलेंगे, क्या गलत हुआ? तो अगर ये करना चाहते हैं तो वह मेरे हिसाब से आप ग्रेजुएशन करो। क्या करना है? ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से आपको अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा, सब जिससे तुम्हें मन लगता है पढ़ने में जो सबसे अच्छा लगा उससे करो, सबका वैल्यू है, ग्रेजुएशन करो वो, ठीक है। और साइड से हमें क्या करना है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करना, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इसके बाद वो हो गया बिहार पुलिस, पैरामेडिकल, अगर जाना है उसमें तो ये सब की तैयारी आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो इंटर में पूछता हुआ कितना मार्क्स, पूरा सोशल मीडिया पर फैला हुआ रहता है, इंटरनेट पूरा जो है मार्क्स ही भरा हुआ है, मैट्रिक इंटर का मार्क्स सभी जानते हैं, लेकिन बीए में किसको कितना आया कोई पूछने वाला नहीं होता, क्यों हुआ? क्योंकि उसका मार्क्स नंबरिंग जो होता है वह एवरेज किया जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें टॉप नहीं करता है जी, एवरेज मार्क कितना मिलेगा, एवरेज मार्क नहीं दिया जाएगा, तो ये एज अ बस पासिंग, बस आपको पास एक डिग्री नाम जहाँ लोग आपने बीए किया है ऐसे सर्टिफिकेट रहेगा। तो आपको क्या करना है, एग्जाम से दो तीन महीना पहले पढ़ो, हाँ जिनका साइंस है वो से पढ़वा, बीएससी वालों को पढ़ना पड़ता है क्योंकि उनका बहुत हार्ड टफ रहता है, पर जो अगर आर्ट्स कर रहे हैं तो उनको मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत दो एग्जाम से तीन चार महीना बस पढ़ना है, बाकी जो और जो टाइम अभी है शुरुआत से उससे आप साइड से जनरल कंपटीशन लगाइए, किसी कोचिंग धरिए आराम से, जनरल कंपटीशन का जितना मैथ है, रीजनिंग है, आर्ट्स है, इंग्लिश है, जो भी साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है उस पर पकड़ बनाइए, कोई भी फॉर्म निकलता हो, एसएससी सीजीएल निकलता हो, एमटीएस निकलता हो, रेलवे निकला, एनटीपीसी निकला था उसमें हुआ, ग्रुप डी निकला था, तो जो भी निकलता छोड़ना नहीं, हमें जॉब लेना है, कोई भी तैयारी कीजिए, फॉर्म मिला भरिए, आराम से निकलिए, हो गया नौकरी, नौकरी मिलती नहीं है, बस नौकरी चुटकी में मिलेगा, नौकरी लेना नहीं चाहते हो, मन से पढ़ो, नौकरी क्या नौकरानी भी मिल जाएगी, समझे थोड़ा सा। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये जो भी शुभचिंतक आपको दिया गया है, शिक्षक के द्वारा दिया गया है, दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, मैं वीडियो डालता नहीं हूँ, आप अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, वो जिस दिन मेरा सब्सक्राइबर 1000 हो गया मैं वादा करता हूँ कि मैं रोज लाइव दूंगा, क्योंकि वह वीडियो बना के अपलोड करना बहुत दिक्कत होता है, आप नहीं जानते हो, पूछना जो यूट्यूब पे डालता होगा वीडियो, इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब बढ़ाइए, अपने दोस्तों से कराइए, और मैं आपको वादा करता हूँ अगर मेरा सब्सक्राइब 1000 हो गया तो मैं आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी मैं और कुछ टीचर को मांगा कर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा, वादा करता हूँ मैं आपसे, इसलिए चैनल को फैलाइए ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा उतना, हमारे चैनल पर इतना ही नहीं, 10th 12th के आर्ट्स विषय के सभी विषय की तैयारी जो है आर्ट्स का बड़ी अच्छी तरह से कराया गया है, विश्वास नहीं हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक वीडियो को देखिए, बड़ा ही आनंद देगा ये वीडियो आपको। चलिए इसी के साथ जय जयकार, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलेंगे, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।